अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड डीजे जे चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का फ्रेंड बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी बिल के हवाले से जो कि प्रीति पटेल की जद्दोजहद रही और इस पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें भी बुलंद की गई अपोजिशन पार्टीज़ और दीगर रहनुमाओं की जानिब से कि यह बिल पास नहीं होना चाहिए यानी कि पार्लियामेंट में से तो इसको पास हो गया और उसके बाद अब यह बिल हाउस ऑफ कॉमन में गया है तो फ्रेंड इस बिल को लेकर बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आज की इस वीडियो में शेयर आप लोगों के साथ करेंगे बहुत ही बड़ी अपडेट आई है तो वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचता रहे चलिए फ़्रेंड बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानब तो फ्रेंड अपडेट कुछ यूँ आई है कि इमिग्रेशन एंड नैश्नलिटी बिल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जदोजहद करने के बाद भी इस बिल को अब हाउस ऑफ़ कॉमन में पेश कर दिया जाएगा जैसा कि आपको मालूम है कि पार्लीमेंट में तो इसको पास कर दिया गया अब आगे ये बिल को लाया गया है आगे भेजा गया है हाउस ऑफ़ कॉमन में जैसा कि आपको मालूम है कि पार्लीमेंट में अगर इसको पास कर दिया गया तो हाउस ऑफ़ कॉमन में भी इसको लाजमी तौर पर पास कर दिया जाएगा तो इस बिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग टेंशन और परेशानी में थे लेकिन इस बिल में अब प्रीति पटेल को मिली बड़ी कामयाबी आपको बताते चलें कि इस बिल को सिर्फ इंग्लैंड और वेलिस में ही इसको अभी लागू किया जाएगा इसके अलावा स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में इसको अभी लागू नहीं किया जाएगा इसके तमाम तार कवान को क्योंकि इसमें कुछ ऐसी शराइ हैं जो कि उनको यानी कि उनको इसके मतलब काफ़ी ज्यादा शिकायात हैं तो उसको देखते हुए ही बाद में उन नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड में इस पर अमल दरामद का सिलसिला किया जाएगा लेकिन वैलीज़ और इंग्लैंड के तमाम तर एरियाज़ में इसको लागू कर दिया जाएगा तो ये बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट है जिसमें अब इलीगल इमीग्रेंट्स जो के पानी के रस्ते से आते हैं उनको अब ऐसा ट्रीट किया जाएगा जैसे कि उनको एक मुजरमों को जिस तरह रखा जाता है जेलों में उस तरह उनको रखा जाएगा और फिर कुछ अरसे के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा जो भी असाइलम सीकर या रिफ्यूजी आएंगे जो कि गलत तरीके से आते हैं तो इस बिल में ये एक शिरक रखी गई है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है इसके साथ साथ एक और बड़ी जो कि शिरक रखी गई है वो ये है कि जो कि नैशनैल्टी जिनके पास है इलीगल जो कि रह चुके थे कभी और अब लीगल स्टेटस उनको मिल चुका हुआ है और उनके पास नेशनलिटी है अगर वो भी कोई ऐसी एक्टिविटी में शामिल होते हैं या कैसे बड़े क्राइम में शामिल होते हैं तो उनको बिना पूछे यानी कि उनकी नेशनैलिटी को रद्द किया जा सकता है और उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है सबसे बड़ा ये जो कि रखी गई है शर्त इसके अंदर इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे लेकिन अब ये कानून जो कि हाउस ऑफ कॉमन में पहुंच गया है। जैसा कि आपको मालूम है पार्लियामेंट से इसको पास कर दिया गया तो अब इसके बाद अब इसको हाउस ऑफ़ कॉमन में भी पास कर दिया ही जाएगा तो ये एक बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट जारी हुई है जो कि प्रीति पटेल को अभी मिली है कामयाबी जो कि इस बिल के हवाले से काफ़ी अरसे से इसका डर था लेकिन अब आने वाले दिनों में मज़ीद और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा शराइत रखी गई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि वो भी हैरान कन हैं लेकिन वो अब आने वाले वक्त के साथ साथ जैसे ये बिल पास होगा मज़ीद वो भी जारी कर दी जाएंगी अभी दो इस हवाले से जो कि बड़ी शरात ये रखी गई हैं तो इनको अब पास कर दिया जाएगा और इस बिल को पास कर दिया जाएगा जो कि कानून ये सब पर फिर लागू कर दिया जाएगा तो फ्रेंड ये एक बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी थी उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर करें मज़ीद मिलते हैं किसी और ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट में तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़